पिछले 415 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? रशिया? नहीं, यूक्रेन? बिल्कुल भी नहीं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका में मौजूद ऑयल कंपनियों ने रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते अब तक $200 बिलियन का मुनाफा कमाया है और ये कंपनियां अभी भी इस युद्ध का फायदा ले रही। अमेरिकी ऑयल कंपनी एक्जोन मोबाइल ने पिछले साल अकेले $56 बिलियन का प्योर मुनाफा कमाया था। ये सभी ऑयल कंपनियां दूसरे देशों की बर्बादी से अमीर होती जा रही और युद्ध में मरने वाले लोगों से मुनाफा कमा रही। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहली बार किसी दूसरे देशों में चल रहे युद्ध के चलते मुनाफा कमा रहा है, बल्कि इराक युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर इराक में एंट्री की थी और वहां मौजूद ऑयल को बेचकर पैसा कमाया था। और अब अमेरिका फिर से इजराइल युद्ध में भी यही चाल चल रहा है। गाइस, कब तक दूसरे देशों को लड़ाकर अमेरिका पैसा कमाता रहेगा? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या कभी भारत के बीचों बीच एक नया स्वतंत्र देश बनने वाला था? किसने और कैसे बचाया नया देश बनने से? चलिए जानते हैं। दरअसल आजादी के बाद जब हिंदुस्तान की सभी स्वतंत्र रियासतों को भारत में शामिल करके एक देश बनाने की कवायद चल रही, तब हैदराबाद रियासत के शासक मीर उस्मान अली खान ने भारत के साथ मिलने से मना कर दिया था और वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो भारत के अंदर ही एक नया देश बन जाता। और तब सरदार पटेल ने कहा था कि अगर हैदराबाद स्वतंत्र देश बन गया तो इससे भारत का बड़ा हिस्सा भारत से अलग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू से हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। पर सितंबर 1948 में जब प्रधानमंत्री नेहरू यूरोप दौरे पर गए तो इधर भारत में नेहरू की जगह एक्टिंग प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसमें सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही भारतीय सेना ने हैदराबाद में तिरंगा फहरा दिया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो गाइस, अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए सरदार पटेल और हमारी भारतीय सेना के लिए एक हार तो बनता है। हमारे भारत देश में एक ऐसा अनोखा बैंक है जिसमें पैसों का लेन देन नहीं होता। इस बैंक में ना तो कोई रुपए जमा करवाए जाते हैं और ना ही रुपयों का लोन मिलता है, लेकिन फिर भी इस बैंक में लाखों लोगों ने खाता खुलवा रखा है। अब ऐसा क्या है इस बैंक में और लोगों ने यहाँ पर खाता क्यों खुलवा रखा है? ये है उत्तर प्रदेश के बनारस में मौजूद श्री राम रमापति बैंक, जो पिछले 95 सालों से राम नाम में कार्यरत है। और इस बैंक में ऐसा धन मिलता है जिसकी कीमत की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। इस बैंक में मिलता है राम नाम का धन। हर रामनवमी के दिन कई श्रद्धालु यहाँ खाता खुलवाने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस बैंक में एक मैनेजर भी है जो आपकी राशि के हिसाब से आपको सही मुहूर्त बताकर आपका खाता खुलवाने में मदद करता है। साथ ही आपको लिखने के लिए कागज, कलम और दवात भी दी जाती है, जिस पर आपको 125,000 राम नाम लिखकर इस बैंक में जमा करवाने होते हैं। अभी तक इस बैंक में 19,39,59,25,000 श्री राम के नाम और 225,000 श्री शिव नाम को जमा करवाया जा चुका है। वैसे गाइस, राम नाम से बड़ा धन कोई भी नहीं हो सकता। इरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है।